सीवान जिले के जीरादेही में एक डीलर द्वारा विकास मित्र की पिटाई किए जाने के विरोध में जिले के विकास मित्रों ने बीएमएच हाई स्कूल के प्रांगण में बुधवार को बैठक की। बैठक में विकास मित्रों ने जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से डीलर पर कार्रवाई करने का मांग किया। बैठक का नेतृत्व श्रीनिवास यादव ने किया। सीवान से अमन राज की रिपोर्ट। बाकी डीलर ने सामान नहीं दिया, उसके बाद गाड़ी गोरन देने लगे, जाति शीर्षक के उपयोग किया और कहा कि सलाचे हमारे साथ विकास मित्र हो के तुम धमकी दिखा रहा है, हमको डरवा रहा है कि आप इतना दीजिए सामान, इतना न दीजिए। बाकी ऐसा बात नहीं था, उन लोग का प्रवृत्ति है, उन लोग का सिस्टम है, शुरू से भी लूटा है, आज के भी समय लूटने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सामान मंगा है वो नहीं दिया है, उसके बावजूद गाली गलौज किया, द्वार पर पीटने का काम भी किया, उसके बाद से थाना में आवेदन दिए। बाकी थाना में उन लोग का अपन लोकल, उनका रिश्तेदार विधायक है, उनके लोग पार्टी के सरकार है, और उन्होंने दबाव में लिया कर दो तीन दिन 2 तारीख को फिर इन पर रंगदारी के केस कर दिया। मान लीजिए कि आज हम कोई किसी के दरवाजा पर जाते हैं सामान लाने के लिए, हमसे झंझट हो गया और 2 दिन के बाद जाकर हम रंगदारी मांग देंगे, ये संभव है? हमको नहीं लगता कि कहीं से तथ्य में संभव है। बाकी हमारा जिला एसपी साहब से मांग करते हैं कि इस केस को अपने स्तर से सुपरविजन करे, जाँच करे, अगर दोषी ये भी व्यक्ति हैं, अगर रंगदारी मांगे हैं तो इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं मांगे है तो जो व्यक्ति है जो बैंक लूटने का काम किया, बैंक में लगभग 150 आदमी से पैसा लाख नाम पर लेकर और घर बनवाने का काम किया, उसका संपत्ति का भी जांच होना चाहिए और उसका जन वितरण का दुकान भी जांच होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि एम्बलम उनका दुकान का जांच होना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। विकास मित्र के सर अभी अध्यक्ष हैं और आप के संगठन के एक मेंबर को साथ ऐसा घटना घटा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि हमारे विकास मित्र पंचायत स्तर के एक सबसे निचले पायदान पर हैं और जो सबसे गरीब लोग हैं और उनकी जो है जितनी समस्याएं होती है सारे विकास मित्र दूर करते हैं, जिसमें आपका डीलर से जुड़ा हुआ जो मामला होता है खाद्यान्न से, तो हमारे विकास मित्र हमारे जो दलित भाई हैं उनको राशन दिलवाने का काम करते हैं। लेकिन जो घटना हमारे विकास मित्र के साथ हुआ है वो काफ़ी खेदजनक है, हम उसकी जो है निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे विकास मित्र स्वयं राशन के लिए गए थे उनके यहाँ, डीलर के यहाँ, और डीलर ने उनके साथ काफ़ी अभद्रता के साथ ऐसा घटना घट चुका है सर, उस पर आप क्या कैसे देखेंगे, रणनीति क्या होगी आगे की? हम लोग की, हमारे संघ की रणनीति यही है कि न्याय मिलना चाहिए और जो हमारे विकास मित्र ने उन पर FIR दर्ज किया है और उस पर दलित एक्ट लग चुका है और उन पर पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और हम लोग की मांग है, हम अपने प्रशासन से ही मांग करेंगे, DM साहब से ही मांग करेंगे, SP साहब से ही मांग करेंगे कि यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले। दूसरी बात कि इनके ऊपर जो केस किया गया है फर्जी तरीके से किया गया है और वो अपने बचाव के लिए किया है और मैं उसका जो है पुरजोर विरोध करता हूँ। क्या नाम होगा आपका? गणेश कुमार गौतम। संघ में क्या है विकास, जो आपका संगठन है विकास मित्र उसमें क्या है? और उसके जिला अध्यक्ष हैं। वो खदान वो हम लेने गए थे, हमारे पत्नी के नाम से कार्ड है, रुक जाए, हम लेने गए थे तो हमसे ज़्यादा सरकारी दर से ज़्यादा राशि मांग कर रहे थे, हम देने से इनकार कर दिए। इसी पर वो जाति सूचक सब गाली देते हुए चमार सीआर और रड के छड़ से और कुर्सी उठाकर मारने पड़ गए हमको और हमारा गाड़ी भी धकेल दिए। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम तारकेश्वर सिंह उर्फ पृथ्वी सिंह जी। जब उन्होंने आपके ऊपर वार किया तो आपने आवेदन दिया थाने में? जी, थाने में आवेदन दिया। फिर क्या हुआ? फिर FIR हुआ उनके ऊपर, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं। क्या मांग क्या करेंगे आप? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारे उनको उचित कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राम हुआ। तो कहीं राम के वजह जो आपने बताया है कि मैं जातिकरण के, कहीं जातिकरण तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? जी, हो रहा है। इसको आप मानते हैं जातिकरण हो रहा है? जी। क्या नाम होगा पूरा आप बताइए? मेरा नाम संजय राम हुआ। और विकास मित्र में? विकास मित्र के पद पर कार्यरत। ठीक।